गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीव विज्ञान चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने दो प्रश्नों को सॉल्व किया था। वो दोनों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। शायद ऐसा ही क्वेश्चन हो जिसमें वो क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बच्चों, आप वो दोनों क्वेश्चन कल के लेक्चर से तैयार कर लीजिएगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्न लक्षण और इनकी वंशागति का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आया है। ये 13 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जो लिंग गुण सूत्रों पर लक्षणों के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध किससे होता है? उनका संबंध लैंगिक गुणों, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल करेक्टर से होता है। ये जीन्स ही जंतु में द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। द्विरूपता का मतलब बच्चों, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं में ये गुण कैसा होता है? बहुत जटिल होता है और व्यापक होता है। इसे निर्मित करने के लिए बच्चों अनेक ऑटोसोमल जीन्स प्रभावी होते हैं। लिंग गुण सूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले, अर्थात कायिक लक्षणों वाले, या हम कह सकते हैं सोमैटिक करेक्टर वाले होते हैं। ये लिंग सहलग्न जीन्स कहलाते हैं। या हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं सेक्स लिंग जीन। और इनकी जो वंशागति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति या लिंग सहलग्नता कहलाती है। तो बच्चों, लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? प्रायः लिंग गुण सूत्रों पर लक्षणों के जो जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक गुणों से होता है। ये जीन्स ही जंतु में द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। जंतुओं में यह गुण बच्चों बहुत जटिल और व्यापक होता है। इसको निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स भी होते हैं। लिंग गुण सूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले, अर्थात कायिक या सोमैटिक लक्षणों वाले होते हैं। ये लिंग सहलग्न जीन्स या सेक्स लिंग्ड जीन कहलाते हैं। और इनकी वंशागति जो होती है उन्हें सेक्स लिंग्ड इनहेरिटेंस या लिंग सहलग्नता कहलाती है। बच्चों, मनुष्य में 120 लक्षणों की वंशागति पाई जाती है। और मनुष्य में जो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई होते हैं, इनकी संरचना में भी भिन्नता दिखाई देती है। बच्चों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लिंग सहलग्न लक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला एक्स सहलग्न होता है, दूसरा वाई सहलग्न लक्षण, तीसरा एक्स और वाई सहलग्न लक्षण होता है। तो बच्चों, इसमें हम पहले एक्स सहलग्न लक्षण देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एक्स गुणसूत्रों के जो असमजात खंडों पर इनके लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं और वाई गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्पी या इनका कोई एलील नहीं होता है। वंशागति में ये लक्षण पुत्रों को किससे मिलते हैं? माता से मिलते हैं। जबकि पुत्रियों को किससे? माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। क्योंकि बच्चों ये कह रहा है फीमेल में क्या होता है, फीमेल में केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मेल्स में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। और इसके लक्षण किस पे होते हैं? एक्स के एक्स गुणसूत्र के असमजात खंडों पर होते हैं। चूंकि फीमेल में क्या है, केवल एक्स एक्स है, तो
पुत्रों को यह लक्षण किससे मिलता है? पुत्रों को यह लक्षण केवल किससे मिलता है? वो माता से मिलेगा, जबकि पुत्रियों को किससे मिलेगा? वो या तो माता से मिल सकता है या पिता दोनों से मिल सकता है, क्योंकि पिता के पास भी एक एक्स क्रोमोसोम है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं डाईएंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा है? हीमोफीलिया ये एक्स संलग्न लक्षण है। अभी हम आपको हीमोफीलिया डिटेल में पढ़ाएंगे, तब हम उसमें आपको बताएंगे कि ये लक्षण कैसे केवल पुत्रों में माता से और जबकि पुत्रियों में माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, इसका मेन रीजन केवल यही है कि माता के पास केवल एक्स होता है क्रोमोसोम, जबकि पिता के पास क्या होता है? एक्स और वाई दोनों होता है। तो जो पिता होता है उसके पास भी एक्स क्रोमोसोम है। दूसरा क्या है बच्चों? वाई सहलग्न लक्षण क्या होता है? तो इनके जो जीन्स होते हैं वाई गुणसूत्र के असंजात खंडों पर स्थित होते हैं, और इनका सहयोगी जो होता है एक्स गुणसूत्र पर इनके एलील्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक संतान में क्या होता है? ये पिता से केवल पुत्रों तक ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल में केवल एक्स एक्स है और इनके जो जीन्स होते हैं वो वाई पर स्थित होते हैं। वाई वाला क्रोमोसोम केवल किस में होता है? केवल पुरुष में होता है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। इसलिए ये लक्षण क्या होता है? केवल पिता से पुत्रों में ही जाते हैं। इसलिए इन्हें होलैंड्रिक लिंग सहलग्न गुण कहते हैं बच्चों। तीसरा लिंग सहलग्न लक्षण कौन सा है बच्चों? तीसरा लिंग सहलग्न लक्षण है कि इनके जो एलील्स होते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र के संजात खंडों पर स्थित होते हैं, तथा इनकी वंशागति पुत्रियों और पुत्रों में सामान्य ऑटोसोमल जीन्स की भांति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जीन्स के एलील क्या होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों के संजात खंडों पर स्थित होते हैं। फीमेल में एक्स होता है, जबकि मेल में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों होते हैं। इसलिए इनकी वंशागति पुत्रों और पुत्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। इसलिए इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग प्रभावित लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों, मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स ऑटोसोम पर तो होते हैं, परंतु उनका विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। आप लोग नाम से याद रखिएगा, लिंग प्रभावित लक्षण का मतलब व्यक्ति का विकास किससे होगा? लिंग से प्रभावित होगा। तो बच्चों, मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स ऑटोसोम पर तो होते हैं, परंतु उनका विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में पुरुषों में गंजापन काफी होता है। यह विकिरण और थायराइड की अनियमितताओं के कारण भी हो सकता है बच्चों, और अनुवांशिक भी हो सकता है। जो अनुवांशिक गंजापन होता है इसमें एक ऑटोसोमल एलील जीन जोड़ी पर यह निर्भर करता है, और जो ये ऑटोसोमल एलील जीन जोड़ी होती है वो कैपिटल बी स्मॉल बी होती है। तो बच्चों, जो अनुवांशिक गंजापन होता है एक ऑटोसोमल एलील जीन जोड़ी पर निर्भर करता है। समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस प्रबल जीन रूप हो, तो कहने का मतलब कैपिटल बी जीन रूप हो तो गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है। लेकिन विषम युग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस, इसका मतलब एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी जीन रूप होने पर यह स्त्रियों में नहीं केवल पुरुषों में विकसित होता है, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट करता है स्मॉल बी के ऊपर। इसलिए यह लक्षण स्त्रियों में नहीं केवल पुरुषों में विकसित होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन एक और भी है। इस जीन रूप कैपिटल बी स्मॉल बी के विकास के लिए नर हार्मोन का होना आवश्यक है। फीमेल में नर हार्मोन जो एंड्रोजन होता है ये नहीं पाया जाता है, ये केवल मेल में पाया जाता है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी के विकास के लिए नर हार्मोन का होना आवश्यक है।
जबकि बच्चों अभी हमने बताया कि समयुग मजी कैपिटल भी जीन रूप हो तो गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है। बट बच्चों अगर समयुग मजी जीन रूप कैसा हो, समयुग मजी जीन रूप स्मॉल बी वाला हो तो इसमें गंजापन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग सीमित लक्षण क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा लिंग प्रभावित लक्षण, अब हम पढ़ेंगे लिंग सीमित लक्षण। अब इसका मतलब हमने बताया था कि इनके जीन्स ऑटोसोम पर होते हैं परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। और लिंग सीमित लक्षण किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन्स इनके भी ऑटोसोम्स में होते हैं और इनकी वंशागति सामान्य मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है। सीमित का मतलब है कि एक ही लिंग के सदस्यों में होगा, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, वैसा करेक्टर दोनों में नहीं पाया जाएगा बच्चों। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गाय भैंस में दुग्ध का श्रवण, भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास, मनुष्य में दाढ़ी मूछ। ये सब क्या है? ये सब लिंग सीमित लक्षण है। ये केवल पुरुषों में ही है और गाय भैंस में दुग्ध का श्रवण केवल गायों भैंसों में होता है या मनुष्यों में केवल फीमेल में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। इसलिए इन्हें लिंग सीमित लक्षण कहते हैं बच्चों। बच्चों ये जितनी भी डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं ये सब आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में या विस्तृत प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस बार भी आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। बच्चों अभी हमने बताया था हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होती है, ये एक्स लिंग्ड है। तो बच्चों हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न रोग है। इनके लक्षण किस पे होते हैं? एक्स लिंग क्रोमोसोम में सहलग्न होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हीमोफीलिया प्राय किस में होता है? पुरुषों में होता है, क्योंकि स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीमोफीलिया क्या है? वो एक्स लिंग्ड है, इसलिए यह रोग प्राय पुरुषों में होता है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है जिसमें एक्स का केवल एक क्रोमोसोम होता है। इसलिए यह रोग प्राय पुरुषों में होता है, जबकि स्त्रियों द्वारा इसे पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। बच्चों इस रोग में होता क्या है? इस रोग में जब चोट लग जाती है किसी रोगी को तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है और जो ब्लड होता है वो निरंतर बहता रहता है। अधिक रक्त बहने की वजह से रोगी के मृत्यु की संभावना रहती है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों? चोट लगने की वजह से इसमें रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है और थक्का ना बनने की वजह से रक्त लगातार बहता रहता है। अधिक रुधिर बहने से रोगी के मृत्यु की संभावना होती है। बच्चों हीमोफीलिया के जीन्स रखने वाली स्त्रियां क्या होती हैं? वो बाहक होती हैं। जब ये एक सामान्य पुरुष से विवाह करती हैं तो उनकी संतानों में जो पुत्रियां होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, अर्थात हीमोफीलिया की वाहक होंगी। इनमें यह रोग नहीं होता है क्योंकि हीमोफीलिया के जीन्स इनमें अप्रभावी होते हैं, किंतु पुत्र में हीमोफीलिया के लक्षण हो सकते हैं, पुत्र वाहक नहीं होते हैं। सैंपल के लिए बच्चों ये फादर है, ये हीमोफिलिक नहीं है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, तो हम लिखेंगे विदाउट हीमोफीलिया हीमोफीलिया। ये फादर हीमोफिलिक नहीं है। इसका विवाह हो रहा है किससे? ये मैरी कर रहा है किससे? एक लेडी से, जिसको क्या है? हीमोफीलिया की ये क्या है? ये कैरियर है। तो बच्चों जब इसमें संतान बनेगी तो वो कैसी होगी? अभी हमने बताया ये फीमेल क्या है? ये कैरियर है हीमोफीलिया की।
तो बच्चों, जब ये कैरियर रहेगी तब देखते हैं क्या क्या जनरेशन होगी इसकी, कौन कैरियर होगा, कौन डिजीज होगा इसमें। तो बच्चों, जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे तो एक तो बनेगा एक्स एक्स पे हीमोफेलिक, दूसरा बनेगा एक्स एक्स, और वाई जब इससे क्रॉस करेगा तो एक्स हीमोफेलिक वाई, और दूसरा एक्स वाई बनेगा। तो बच्चों, इसमें एक बच्चा इसका क्या होगा, एक बच्चा इसका नॉर्मल होगा, ये हीमोफिलिक नहीं होगा। दूसरा वाला सन आप देख रहे हैं, हीमोफिलिया अभी हमने बताया कि एक्स लिंग्ड सहलग्न है, तो दूसरा वाला जो इसका सन है वो कैसा होगा, वो बच्चों हीमोफिलिक होगा। ये फीमेल, इसकी बच्ची कैसी होगी, इसकी बच्ची ये नॉर्मल होगी, किस क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक भी जीन जो है वो हीमोफिलिक नहीं है, एक भी क्रोमोसोम इसका। और जबकि ये क्या है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये फीमेल क्या है, ये कैरियर है। बच्चों, फीमेल कब हीमोफिलिक होती है, चूंकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये हीमोफिलिक एक ही कंडीशन पे होगी, जब इसके दोनों क्रोमोसोम हीमोफिलिक के जीन को कैरी करें, तो ऐसा रेयर होता है। बच्चों, दोनों जीन्स हीमोफीलिया के होने पर स्त्रियां प्रायः जीवित नहीं रह सकती हैं, फिर भी उनसे संभावित जो, अगर आप सोच रहे हो कि उनसे संभावित जो संतान होंगे, उनके सभी लड़के तो सभी हीमोफिलिक होंगे, किंतु लड़कियां वाहक होंगी। इसको हम एग्जाम्पल देके दिखा देते हैं। अभी हमने बताया दोनों जीन्स हीमोफिलिक हो तो ये जीवित तो नहीं रहेगी, फिर भी आप सोचिए कि इनसे जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे। मान लो एक्स हीमोफिलिक एक्स से क्रॉस करेगा तो एक्स और एक्स होगा, फिर ये एक्स वाई से करेगा तो एक्स वाई होगा। अब मान लो ये क्रॉस करेगा तो एक्स एक्स बनेगा बच्चों, और ये एक्स और ये वाई बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं ये लड़कियां कैसी हैं, ये लड़कियां इसकी कैसी हैं, कैरियर हैं। जो थ्योरी में बताया गया है लड़कियां सभी कैरियर हैं, जबकि लड़के कैसे हैं, ये सभी हीमोफिलिक हैं, ये बच्चा भी हीमोफिलिक है। तो इसके सभी बच्चे जो लड़के होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, और लड़कियां सारी कैसी होंगी, कैरियर या वाहक होंगी। बच्चों, ये हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 2018 और 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में 2018 और 19 में पूछा गया है। तो बच्चों, जो समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स होते हैं, उनके बीच एक या एक से अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली कब होती है, अर्धसूत्री विभाजन के पैकाइटिन अवस्था में होती है। तो जो ये खंडों की अदला बदली है पैकाइटिन अवस्था में, इसे क्या कहते हैं, इसे पारगमन कहते हैं। और इससे क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का जो डीएनए होता है वो समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है, जिससे जो होता है अगली पीढ़ी में क्या होता है, अगली पीढ़ी के संतानों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। इससे संतानों में क्या होंगे, नए लक्षण उत्पन्न होंगे अगली पीढ़ी के, इन्हें पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं। तो ये लक्षण किस वजह से उत्पन्न होते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की वजह से उत्पन्न होते हैं बच्चों। और क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कब होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड्स के बीच में एक या एक से अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली होती है, अर्धसूत्री विभाजन के पैकाइटिन अवस्था में। इस अदला बदली को पारगमन कहते हैं। इससे संजात गुणसूत्रों का डीएनए संजात या पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है। इससे अगली पीढ़ी के संतानों में क्या होता है बच्चों, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है।
वाला क्वेश्चन बच्चों जो था लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हो, और ये लिंग सहलग्न लक्षण कितने टाइप के हो सकते हैं उसमें, और हमने हीमोफीलिया के बारे में डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और उसके बाद हमने एक लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में क्रॉसिंग ओवर के बारे में जाना, ये जो मियासिस होता है, मियासिस के स्टेज फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था होती है उसमें ये होता है। बच्चों यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे के चैप्टर को, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उसको हम कल डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।